भावमय सतगुरु वर वंदन करूं आदर सत्कार नमन सदा कल्याण मंगलम आप दिव्य गुरु चैत्य वहर्ताता करूं परी उपासन चित लाए रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय। अरहंत वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। यह बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। राजगृह नगर में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह में नटों के खेलों का आयोजन होता था। उस वर्ष भी नटों का खेल हो रहा था और तब राजगृह नगर के ही एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित श्रेष्ठी का पुत्र उग्रसेन उस नटों के खेल को देखते हुए एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो गया। नगर के इतने बड़े सेठ का वह पुत्र है, नट कन्या को देख करके उसके खेल को देख करके उस पर मोहित हो गया है तो उसने उसके साथ विवाह कर लिया। कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वह सेठ का पुत्र है, लेकिन विशेष बात यह हुई कि उसके साथ में विवाह करके वह श्रेष्ठी पुत्र उग्रसेन भी अब नटों के साथ हो लिया। गांव-गांव नगर नगर घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में वह भी नट विद्या में निपुण हो गया। फिर कुछ समय बाद किसी उत्सव के निमंत्रण पर वह पुनः राजगृह में आया। उस दिन भिक्षाटन करने के लिए भगवान बुद्ध राजगृह नगर की वीथियों से सड़कों से गुजर रहे थे और उसी समय श्रेष्ठी पुत्र उग्रसेन अपना खेल दिखाना शुरू करने वाला था। वह खेल दिखा रहा है तो स्वभावतया राजगृह नगर में हजारों की जनता की भीड़ उमड़ पड़ी क्योंकि वह उसी नगर के सेठ का पुत्र जो था और अब नट हो गया है, अब वह अपनी कला दिखाने के लिए उसी नगर में पुनः आया है तो हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी उसके उस खेल को देखने के लिए। और उस समय वह बहुत लंबे विशाल दो ऊंचे भवनों के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही भगवान बुद्ध उस मार्ग से गुजरे सभी दर्शकों ने उग्रसेन की ओर से मुंह मोड़ लिया और भगवान को देखने लग गए। यह देखकर उग्रसेन उदास होकर के बैठ गया। उग्रसेन को उदास देखकर भगवान बुद्ध ने अपने स्थवर भिक्षु से कहा, मौद्गल्यायन, उग्रसेन से कहो वह अपना खेल दिखाए। लेकिन उग्रसेन ने खेल नहीं दिखाया, वह दुखी और निराश होकर के बैठा ही रहा। तब भगवान ने उसे प्रसन्न करने को कहा, उग्रसेन तू खेल दिखा, मैं भी देखूंगा। यह सुनकर उग्रसेन अत्यंत प्रसन्न हो गया और अब वह खूब प्रसन्न होकर उन विशाल ऊंचे भवनों के बीच में बंधी हुई रस्सी पर संभल कर चलते हुए विविध प्रकार से अपने खेल दिखाने लगा। जब खेल समाप्त हुआ तब भगवान ने उससे कहा, उग्रसेन ये खेल अच्छे हैं, लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, लेकिन मनोरंजन से क्या होता है, मनोभंजन आवश्यक है। इस मनोरंजन में जरा भी सार नहीं है। मनोरंजन में अनेकों जन्म हमने व्यर्थ गंवा दिए, ये जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। तो तमाशा दिखाते दिखाते तमाशे में ही एक दिन समाप्त हो जाएगा और फिर जितने समय में तूने इस रस्सी पर स्वयं को संभालना सीखा है उतने समय में तू ध्यान में स्वयं को संभाल लेता। जितने समय में तूने इस रस्सी पर बैलेंस साधना सीखा है, इसके संतुलन को स्थापित करना सीखा है, उतने समय में तू अपने भीतर ध्यान में स्वयं को संभाल लेता और फिर रस्सी पर संतुलन साध करके तू कहां पहुंचेगा,
लेकिन यदि तू अपने आप के भीतर संतुलन साध लेता, अपने आप में बैलेंस करना सीख जाता, अपने आप में सम्यक हो जाता, तो जन्म और मृत्यु के पार पहुंच जाता। सत्य है, हम सभी ने मनोरंजन में ही तो अपने अनेकों जन्म व्यर्थ गवाए हैं। उस जमाने में मनोरंजन के लिए नटों के खेलों का, नर्तक और नर्तकियों का आयोजन किया जाता था। तब जनता का मनोरंजन होता था और वो भी किसी विशेष समारोह या उत्सव के मौके पर। लेकिन आज के युग में तो हम सबके पास में टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, इंटरनेट है और इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर हर समय एंटरटेनमेंट की सामग्री तैयार है और हम सभी लोग अपना मैक्सिमम टाइम और अपनी ऊर्जा इसी एंटरटेनमेंट में ही व्यर्थ किए दे रहे हैं। आज किसी भी यूथ की बातें सुनो तो उनकी बातों में अक्सर या तो किसी सीरीज के कैरेक्टर्स की अथवा मूवीज के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बातें सुनने को मिलती है। उसमें उसकी कितनी डैशिंग पर्सनालिटी थी, उसने उसमें कितनी जबरदस्त एक्टिंग करी है, या फिर उसमें उसका डांसिंग परफॉर्मेंस कितना गजब का था। इस तरह की बातें हम प्रायः सुनने को मिलती है। और सिर्फ युवाओं की ही क्यों, हम लोगों की भी तो बातें इसी तरह की होती है। आज अनुपमा ने कितने धांसू तरीके से अपने मायके वालों को भाषण सुना दिया। उस प्रोग्राम में उसने कितनी डिफरेंट स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई थी, कैसी हैवी ज्वेलरी थी, क्या गजब का उसका हेयर स्टाइल था, कैसे उसने अपने पर्स को कैरी किया हुआ था, कैसे उसकी हाई हील्स थी, क्या जूते थे। इस तरह की बातों से ही तो हम लोग भी आकर्षित होते हैं। और कई लोग तो ना सिर्फ इस तरह की बातों से आकर्षित होते हैं, बल्कि वो लोग उन एक्टर्स की, उन एक्ट्रेसेस की स्टाइल्स को देख करके, उनके बोलने का अंदाज, उनके देखने का अंदाज, उनके चलने का, उनके बैठने का, इस तरह उनकी स्टाइल्स को देख करके उसके दीवाने बन जाते हैं। वो उनकी अदाओं पे फिदा हो जाते हैं और उनके बहुत बड़े फैन बन जाते हैं। ना सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के, बल्कि किसी को कोई क्रिकेटर का कोई स्टाइल पसंद आ जाता है, किसी को कोई फुटबॉलर का, किसी को किसी टेनिस प्लेयर का, बैडमिंटन प्लेयर का, कोई भी तरह की सेलिब्रिटी का हमें कोई स्टाइल पसंद आ जाता है, उनकी कोई अदा पे हम फिदा हो जाते हैं और हम फिर रात दिन उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहते हैं। उनके उन स्टाइल्स का जादू हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। और ये दीवाना बनने वाली आदत हमारी फिर सब जगह लागू होती है। हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे ना, एक लड़का है जो किसी लड़की से मिलता है और फिर वो लड़की उसे स्ट्राइक कर जाती है। उस लड़की की मासूमियत या उसकी हंसने का अंदाज, उसकी भोली सूरत, उसका स्टाइल, वो सब कुछ उसके दिल को भा जाता है और अब वो अपना दिल उसी पर हार बैठता है। ऐसा सिर्फ लड़कों के साथ ही नहीं है, लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है। किसी लड़के को देखा और उसकी पर्सनालिटी या उसका स्टाइल उनके दिल को छू गया और बस डिसाइड कर लिया कि अब तो यही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, इसी के साथ मुझे जीना और मरना है अब। लेकिन जब वे साथ रहते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि जीवन सिर्फ उतना ही नहीं था जितना वो दिख रहा था। जीवन इससे कई ज्यादा है, बहुत सारे पहलू और भी हैं जीवन के। सिक्के का दूसरा पहलू तो कुछ और ही होता है, वो सब कुछ उन्हें बाद में समझ आता है, लेकिन उस समय तो वो सिर्फ उनकी उन स्टाइल्स को देख करके, सिक्के के उस एक पहलू को देख करके, एक पक्ष के प्रति इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे कि उसी को अपना पूरा जीवन मान बैठे थे। ये चीजें बड़ी कॉमन सी भी है, क्योंकि आजकल जितने भी गाने हम लोग सुनते हैं वो सब गाने इसी तरह की बातों से तो भरे हुए हैं। इसीलिए हम लोग वो गाने सुन सुन कर हमारे दिमाग पर वही चीजें असर करती है और फिर हमारे मन की यही आदत हो जाती है कि किसी की भी स्टाइल्स को देखता है और उसके अट्रैक्टेड हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है, उसका दीवाना बन जाता है। ऐसे दीवाना बनने वाले लोगों के बहुत से किस्से हमने भी सुने होंगे, हमारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे और आसपास ही क्यों, शायद हम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। लेकिन जिसे अपने जीवन में सत्य को जानना है,
जिसे धर्म को या अध्यात्म को समझना है, जानना है, उसे इस दीवाना बनने वाली मेंटालिटी से बाहर आना होगा। उसे अपने जीवन में सम्यक नजरिए को, सही दृष्टिकोण को डेवलप करना होगा, क्योंकि जब भी हम किसी की पर्टिकुलर स्टाइल्स को देख करके उनके दीवाने बन जाते हैं, उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा नजरिया एक पक्षी होता है। एक पक्षी से मतलब है हम सिर्फ एक ही डायमेंशन को देख रहे होते हैं, हमारा नजरिया होल नहीं होता, कंप्लीट विजन नहीं होता है। और ये जो एक पक्षीय हम देख रहे हैं, किसी के भी एक पहलू को देख रहे हैं, उसका मतलब है कि अभी हमारी समझ, हमारा नजरिया मिथ्या है। और हमें अपनी समझ को, अपने नजरिए को सम्यक बनाने की जरूरत है। सम्यक दृष्टिकोण का मतलब होता है वस्तु को जैसी वह है उसे वैसा ही देखना। यथार्थ दर्शनम सम्यक दर्शनम, यानी जो जैसा है उसे एज इज देखना, वस्तु को कंप्लीट देखना, एज अ होल देखना, उसके किसी एक ही पक्ष को नहीं देखना। एक पक्ष को देखेंगे तो हम बस उसी एक पक्ष की अति में चले जाएंगे, या तो फिर हमें उसकी उस एक पक्ष के प्रति बहुत लगाव पैदा हो जाएगा कि वाह उसका कैसा स्टाइल है, हम उससे अटैच हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, और या फिर हमें उसका कोई ऐसा पक्ष नजर आएगा जो हमें पसंद नहीं आएगा तो हम उसके विरोधी बन जाएंगे, हमें उससे नफरत हो जाएगी। लेकिन ये किसी से आसक्त होना अथवा उससे नफरत करना, लगाव में जाना या फिर उससे बहुत दुश्मनी बना लेना, ये दोनों ही अलग अलग पक्ष है, ये दोनों ही कंप्लीट नजरिया नहीं है, सम्यक समझ नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। और हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए अपने दृष्टिकोण को, अपने दर्शन को, अपने विजन को, अपने परसेप्शन को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सम्यक बनाना होगा। इसीलिए सम्यक्तम प्रार्थना का छठा पॉइंट हमारे लिए है, जो कि हमें समझाता है विचार, वाणी व देह संकेत द्वारा किसी भी अनित्य लुभावनी कला की लच्छेदार प्रशंसा ना हो। हम सब के पास में तीन तरह के माध्यम हैं जिनसे हम स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। पहला है विचार यानी थिंकिंग, दूसरा है वाणी स्पीच, और तीसरा है देह यानी बॉडी और बॉडी लैंग्वेज। ये तीन ही मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम स्वयं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ना सिर्फ हम बल्कि सभी लोग अपने आप को एक्सप्रेस इन्हीं तीन माध्यमों से करते हैं, विचारों के थ्रू, वाणी के द्वारा अथवा अपने इस शरीर के द्वारा और इस शरीर से होने वाली चेष्टाओं के द्वारा। और होता क्या है कि जब भी कोई सामने वाला स्वयं को इन तीन माध्यमों से अभिव्यक्त कर रहा होता है तो हम उनके किसी न किसी एक माध्यम से, या तो उनकी बॉडी से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से, उनकी मुद्राओं से, उनके स्टाइल्स पे, उनके चाल चलन पे, उनकी भाव भंगिमाओं पे हम लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, हम अपना दिल दे बैठते हैं और हम उनके बहुत बड़े फैन बन जाते हैं। दिन रात हम उन्हीं के सम्मोहन में, उन्हीं के नशे में डूबे रहते हैं, खूब उनकी तारीफ करते हैं, हमें सब जगह बस वही उनकी अदाएं ही नजर आने लगती है। तो इसीलिए ये सम्मतम प्रार्थना का सूत्र हम समझें, जो कहता है कि विचार, वाणी और देह संकेत द्वारा किसी भी अनित्य लुभावनी कला की लच्छेदार प्रशंसा ना हो। ये जो हम उनके फैन बन जाते हैं, ये क्या है, ये हम उनके प्रशंसक बन गए हैं, फिर हम उनकी खूब तारीफ करने लग जाते हैं। और ये सूत्र कहता है कि किसी भी अनित्य लुभावनी कला की लच्छेदार प्रशंसा ना हो। वैसे तो प्रशंसा करने के मामले में हम लोग बड़े कंजूस हैं। जहाँ पर हमें किसी की जेन्युइन प्रशंसा करनी चाहिए, जैसे हमारे घर परिवार में हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं, हमारा स्पाउस है या हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो लोग बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर उनकी कोई प्रशंसा नहीं करते, वहाँ उन्हें एप्रिशिएशन की जरूरत है। अगर हम उन्हें सराहेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, तो वो चीज उनके लिए कमाल कर सकती है, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहां पर तो हम लोगों से तारीफ के दो शब्द भी नहीं निकलते। अथवा कभी कभी हम गलती से तारीफ कर भी देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, बस दो शब्द, हाँ तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, या बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बस हम देखें,
ये जो हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो या तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये तारीफ हम उनके लुक्स की कर रहे हैं, उनके जो बाहरी रूप है, उनका जो अपीयरेंस है उसकी हम तारीफ कर लेते हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है या तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। ये सब हम उनकी तारीफ किसकी कर रहे हैं, उनके अपीयरेंस की या उनकी किसी कला की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा करके दिखा दिया। लेकिन क्या हमने कभी किसी के गुणों की प्रशंसा की है? गुणों की प्रशंसा तो दूर, शायद हमें किसी के गुण नजर ही नहीं आते, क्योंकि गुणों को देखने वाली दृष्टि अभी हमारे भीतर डेवलप ही नहीं हुई। क्या हमने कभी किसी से कहा कि आपके हृदय की उदारता सचमुच बड़ी अद्भुत है, आपका दिल कितना विशाल है, आपके भीतर कितनी परोपकारिता है, आपके अंदर कितनी दयालुता है, आप बहुत सज्जन इंसान हैं? क्या हमने कभी किसी की ऐसी तारीफ की है? नहीं, गुणों की प्रशंसा करनी हमें नहीं आती। हमारी सारी प्रशंसा और प्रशंसा में निकले हुए शब्द वे सब किसी की अपीयरेंस के प्रति होते हैं या फिर किसी की कोई कला है, किसी की कोई स्टाइल है जो बहुत अच्छी लगी तो हम उसकी तारीफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमें समझने की बात है कि अगर हमें किसी की तारीफ करनी हो तो हमें उनकी कलाओं की नहीं, उनके दिखावे की नहीं, बल्कि उनके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। सम्मतम प्रार्थना में ये सूत्र, ये पॉइंट हमें समझा रहा है कि किसी के भी लुभावनी अनित्य कलाओं की प्रशंसा ना हो। ऐसा नहीं है कि सम्यक्त्व की साधना करने वाला साधक कभी किसी की तारीफ ही नहीं करेगा। हम तारीफ तो करें लेकिन उनके स्टाइल्स की नहीं, उनके गुणों की तारीफ हो। और फिर हम लोग जो तारीफ करते हैं वो स्टाइल्स की तारीफ होती है, और उसमें भी तारीफ भी सीधे सीधे शब्दों में नहीं होती, बड़ी साधारण तारीफ नहीं होती है। हम उसकी तारीफ भी बड़ी लच्छेदार तरीके से करते हैं। ये लच्छेदार शब्द से तो हम लोग परिचित होंगे ही, क्योंकि हम सबको अपने जीवन में लच्छेदार बातें करना और लच्छेदार प्रशंसा सुनना ही पसंद है। हम लोग भी जब किसी के फैन बन चुके होते हैं, प्रशंसा करते हैं तो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बड़ी लच्छेदार शब्दों में प्रशंसा करते हैं। लच्छेदार यानी बढ़ा चढ़ा करके, बहुत घुमा फिरा करके, सजा करके, बना करके, संवार करके, अच्छे अच्छे शब्दों में प्रशंसा करना लच्छेदार प्रशंसा कहलाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक बार एक लड़का किसी लड़की के साथ में एक्वेरियम देखने गया। वहां पर बहुत डिफरेंट कलर्स की, अलग अलग तरह की मछलियां थी, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई सुनहरी कोई काली कोई गोल्डन। तो उस एक्वेरियम को देख करके, उन इतनी सुंदर सुंदर मछलियों को देख करके, वो लड़की उस लड़के से कहती है, इतनी सुंदर मछली है, देखो वो गोल्डन फिश कितनी ब्यूटीफुल है। उसकी बात सुन करके वो लड़का उस लड़की को देखकर कहता है, या दैट गोल्डन फिश एंड दिस वाटर एंजल, जल परी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बोथ आर वेरी गॉर्जियस। हम समझ गए होंगे कि अब जो उस लड़के के कहने का तरीका है, अगर ब्यूटीफुल कहा तो बड़ी साधारण सी तारीफ हो जाएगी। वो कहता है, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। ये है लच्छेदार प्रशंसा, और ये लच्छेदार बातें सुनना हम सब लोगों की आदत हो चुकी है। सीधे सीधे शब्दों में अगर किसी की तारीफ करी तो फिर वो तारीफ ही क्या, जब तक कुछ बनाकर, कुछ घुमा फिरा कर, कुछ अलग डिफरेंट तरीके से अगर उनकी तारीफ ना करो तब तक उसकी तारीफ भी क्या की। ऐसा ही है, हम सभी लोगों को लच्छेदार बातें सुनने की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए हम लोग बातें जब करते भी हैं, किसी की प्रशंसा भी करते हैं तो लच्छेदार शब्दों में ही करते हैं। और अगर किसी को ये लच्छेदार तरीके से किसी की प्रशंसा करना नहीं आता हो, लच्छेदार बातें बनानी नहीं आती हो, तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही बोरिंग हो जाता है। वो एक गाना है जिसमें लड़का लड़की की बड़ी तारीफ करता है, लेकिन फिर भी वो लड़की कहती है, अच्छा होता अगर तुम इन बातों को जरा घुमा फिरा कर कहते तो अच्छा होता। तो हम देखे ना, हम सब लोगों को लच्छेदार शब्द सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ये लच्छेदार बातें बनाना, लच्छेदार प्रशंसा करना, और वो भी उनकी कलाओं की, उन कलाओं की जो कि नित्य नहीं है, लुभावनी जरूर है, मन को लुभाती है, दिल को भाती है, लेकिन जब हम रात दिन
इसी तरह की उनकी स्टाइल्स में, उनकी अदाओं में ही मोहित रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उन्हीं की तारीफ किए जाते हैं, उन्हीं को देखते हैं, तो हम लोग कभी भी जीवन को सम्यक नजरिए से नहीं देख पाएंगे। और हमें सम्यक दर्शनी होना है, हमें जीवन को सम्यक दर्शन से युक्त होकर के जीना है, सम्यक्त्वी होना है। इसीलिए हम लोग इस सूत्र को समझें, इस बात को समझें, जो कि बड़ी गहरी बात बता रही है कि किसी भी अनित्य लुभावनी कला की लच्छेदार प्रशंसा ना हो। मन जाएगा, क्योंकि वो कलाएं, वो अदाएं मन को लुभाती है। लेकिन हम ध्यान रखें, जो चीजें हमारे मन को लुभाती है और फिर जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, हम भी अल्टीमेटली वैसे ही हो जाते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं, वैसे ही हम भी हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करेंगे, जिसकी हम तारीफ करेंगे, जो रात और दिन हमारे ख्वाबों ख्यालों में रहेगा, वैसे ही हम भी हो जाएंगे। हमारे भी फिर वैसे ही स्टाइल बन जाती है। हम देखते हैं ना, कितने ही बच्चे जो कि क्रिकेट के दीवाने हैं, शौकीन हैं, उन लोगों के दिन रात हाथ भी वैसे ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वही चीजें उनके ख्वाबों में, उनके ख्यालों में, उनके दिलो दिमाग पर हावी रहती है। तो इसीलिए सम्मतम प्रार्थना का ये छठा पॉइंट हमें बहुत ही ध्यान देने योग्य है, समझने योग्य है कि किसी की भी अनित्य लुभावनी कला की लच्छेदार प्रशंसा ना हो। क्योंकि ये जो कलाएं हैं, ये जो स्टाइल्स हैं, ये जो अदाएं हैं, ये नित्य नहीं है, ये सदा रहने वाली नहीं है, ये सब अनित्य है, ये सब एक पक्ष है, एक पहलू है, और ये इन अनित्य कलाओं में ही हम अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। हम सभी अपना पूरा जीवन इस अनित्यता में ही तो बिता रहे हैं। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। हम हमेशा ही अनित्य को ही देख रहे हैं और उसी में राग और द्वेष से ग्रस्त हो रहे हैं। ये सब अनित्य है, क्योंकि ये जो भी दिखावट है, ये जो भी बनावट है, सजावट है, ये जो रूप है, ये सब कुछ अनित्य है, ये रियल नहीं है। ये सब फॉर्म्स है, उनका एक आकार है, एक ढंग है, और हम लोग इन्हीं दिखावटों में, इसी अनित्य कलाओं में अपने मन का रंजन करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब इस पॉइंट को समझ करके हम अपनी दृष्टि को बदले, हम अपने मन की इस दीवाना बनने की आदत से बाहर आए, और यदि हम ऐसा कर पाते हैं, अपने आप को इंस्ट्रक्शन दें, इस सूत्र के द्वारा स्वयं को प्रतिदिन निर्देशित करें। ये सम्मतम प्रार्थना हमें प्रतिदिन करने योग्य है। इसके 5 पॉइंट 5 सूत्र पर हम चर्चा कर चुके हैं, और आज ये छठा सूत्र हमें समझा रहा है कि हम अपनी इस आदत से बाहर आएं। हम किसी के भी एक पक्ष को देख करके उनकी दीवानगी में ना जाएं, उन अनित्य कलाओं की लच्छेदार प्रशंसा ना करें। जब हमारी नजर अनित्य से ऊपर उठेगी, तभी तो हम नित्य को देखेंगे, जो रियल है, जो परमानेंट है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम उस स्वरूप को देखेंगे। हम सभी ये प्रार्थना करें कि अब से हमारी नजर अनित्य में ना भटके, हम अनित्य को ही नित्य ना समझें, हम रियल को देखें, हम अपने सच्चे स्वरूप को जानने की ओर अग्रसर बने। यही सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति।